डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट से छोटा इंडिपेंडेंट। उसके बाद हमने एक सिंगल्टन सेट की बात की थी कि एक ही वेक्टर है एक सेट में, तो ये डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा? डिपेंड ऑन द एलिमेंट यू। इफ यू इज जीरो देन इट मस्ट बी क्या होगा? डिपेंडेंट। नॉन जीरो है तो ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक एलिमेंट है वी, सपोज वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन वी टू अप टू वी एन। वी एक वेक्टर है विच इज नॉन जीरो, साथ में ये कंडीशन है कि वी एक नॉन जीरो वेक्टर है विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन वी टू वी एन एंड वेक्टर्स ऑफ वी। तो हम क्या करेंगे, इस वी को अगर हम इस एन वेक्टर्स के सेट में एड करें, ठीक है, क्या किया, एन वेक्टर्स को ले लिया जिनका कॉम्बिनेशन है, उसके साथ एक वेक्टर को डाल दिया जो कॉम्बिनेशन है, तो एक नया एक सेट बन गया एस। ये एस कैसा सेट होगा? लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, कैसा सेट होगा? लीनियरली डिपेंडेंट, हमेशा डिपेंडेंट होगा कि अगर एक एलिमेंट बाकी वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, उस एलिमेंट को हमने बाकी वेक्टर्स के साथ मिला के एक नया सेट बना लिया, तो ये सेट कैसा होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। इसको प्रूव करेंगे कैसे? गिवन क्या है, वी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन वी टू वी एन, इट मीन्स क्या होगा, कॉम्बिनेशन है तो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स ए वन ए टू ए एन बिलोंग्स टू एफ सच दैट वी इज ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू अप टू ए एन। फर्स्ट डेफिनेशन हमने यही की थी लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या मीनिंग होता है कि v इज कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn इफ देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स, कि उस स्केलर्स को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई किया ऐड किया तो v बन गया, देन v इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn। अब आपको करना क्या है, इस v को इधर शिफ्ट करना है, इसको इधर लेके जाना है, तो ये क्या बनेगा a1 v1 अप टू an vn माइनस v इक्वल टू जीरो, है ना। अब ये कितने वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो गया, एन प्लस वन वैक्टर्स आ गए, बी वन से बी एन तक तो ऑलरेडी थे, एक वैक्टर भी और आ गया, यानी कि दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, ये कह सकते हैं ना। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा है, दिस इज जीरो बट स्केलर्स कैसे हैं, क्या स्केलर सारे जीरो हैं, क्योंकि बी के साथ क्या है माइनस वन, है ना, ये तो हमें पता ही है कौन जीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस वन इंटू वी, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन वी टू वी एन अप टू वी वेयर एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉट जीरो। तो हम लिख सकते हैं कि सारे स्केलर जीरो नहीं है बट कॉम्बिनेशन क्या है जीरो, इट मीन्स दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। इज इट क्लियर कि अगर आपके पास एक एलिमेंट बाकी वेक्टर्स का, या भी यूज होगी थ्योरम, ध्यान रखना कि रिजल्ट्स जो हम प्रूव कर रहे हैं ये सारे आगे आने वाली बेसिस की थ्योरम्स आएंगी उसमें यूज होगा, कोई भी थ्योरम कहीं भी यूज हो सकती है, तो उसका रिजल्ट पता होना चाहिए तुम्हें। इफ वन एलिमेंट वी इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स देन अ सेट कंटेनिंग दीज वेक्टर इंक्लूडिंग वी इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। अब इसका कन्वर्स देखते हैं, क्या कन्वर्स क्यों होगा कि अगर आपके पास एक सेट है v1 v2 vn के साथ v where this set is linearly dependent, तो क्या v इनका कॉम्बिनेशन होगा v1 v2 vn का, इससे रिलेटेड दो थ्योरम्स होगी, एक ये रिजल्ट होगा उसमें हमें ये चाहिए कि अगर ये n वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है, v1 से लेके vn तक n वेक्टर्स कैसे हैं, एक सेट है v1 v2 vn का, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है, एक वेक्टर और डालने से वो डिपेंडेंट बन गया, तो रिजल्ट क्या आएगा कि जो हमने वेक्टर डाला है दैट वेक्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn। इसका एग्जैक्ट कन्वर्स नहीं है बट इसने एक प्रॉपर्टी डाल के हम कन्वर्स निकाल रहे हैं, क्लियर।
डिपेंडेंट है, गिवन क्या था, कॉम्बिनेशन है ना। इसमें हमने एक चीज और डाल दी कि v1 v2 vn तक ये अगर फैक्टर्स इंडिपेंडेंट है, हमें पता हो कि n फैक्टर्स तो इंडिपेंडेंट है, एक फैक्टर और डालने से वो डिपेंडेंट बन गया, तो ये जो वैक्टर डालना है हमें ये प्रूव करेंगे कि ये भी इनका कॉम्बिनेशन होगा। v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn। इसके लिए हम पहले ये रिजल्ट लेके चलेंगे। सो दिस इज एस वन एंड दिस इज एस। गिवन एस वन इज लीनियरली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी लगाओ क्या होगा, डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an, एक a ले लेते हैं इसके साथ, कंडीशन क्या होगी, नॉट ऑल जीरो। जब भी डिपेंडेंट हो तो हम डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं कि ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे जो सारे जीरो नहीं है, सच है a1 b1 an bn प्लस a इक्वल टू जी, कॉम्बिनेशन जीरो है बट स्केलर सारे जीरो नहीं। ठीक है यहां तक। अब हमें प्रूव करना है कि v इन सबका कॉम्बिनेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, v वाली टर्म को उतर ले जाना पड़ेगा है ना, फिर a से डिवाइड करना पड़ेगा तभी भी हम कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। वो हम कभी कर सकते हैं जब ये a कैसा होगा, अब हमें ये तो पता है कि सारे जीरो नहीं है, इनमें से कुछ नॉन जीरो है, तो क्या a नॉन जीरो है, हम ये चेक करते हैं। ठीक है, हम ये क्लेम करते हैं कि a मस्ट बी नॉन जीरो, a जीरो नहीं हो सकता। पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि a जीरो नहीं हो सकता, a नॉन जीरो होगा तभी हम a से डिवाइड कर पाएंगे। तो a जीरो होगा तो क्या होगा, मान लेते हैं कि a जीरो है, पहले हम लिखेंगे और वो
नंबर